ओ लड़की जल्दी जल्दी ईंटें इकट्ठी कर, शाम तक सारी हो जानी चाहिए। मालिक धूप बहुत तेज पड़ रही है, मैं ज्यादा देर धूप में काम नहीं कर सकती। ऐसे कैसे नहीं करेगा, हम हमसे किस बात के पैसे लेती है? मालिक मैं मेहनत के पैसे लेती हूँ, धूप में काम करने की नहीं। कान खोल के सुन ले लड़की, अगर हमारे यहाँ काम करना होगा तो देर रात भी करना पड़ेगा, वरना निकल जाए यहाँ से। देख अभी तो हम घर के लिए जा रहे हैं, पर शाम तक ये सारी ईंटें इकट्ठी होनी चाहिए। अगर तुझ पे ये सारी ईंटें इकट्ठी ना हुई तो इस चिमनी में जलवा दूंगा। चल धर्म में आ चलते हैं। हमने तुझे खाना खाने के लिए बोला था या फिर काम के लिए? मालिक बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए मैंने खा लिया। क्या कह रही, भूख लग रही है? ये खाना कहाँ से लेके आई, कहीं चुरा कर तो नहीं लेके आई? हमने तो तुझे दिया नहीं। चुरा के नहीं मालिक, मैं खाना अपने साथ लेकर आई थी। अरे मेरे भाई, ये गरीब लड़की खाना लेकर नहीं आई, ये झूठ बोल रही है। नहीं मालिक, इसमें कोई झूठ नहीं है। हाँ चल ठीक है, अब काम पर लग जा। और हाँ, जब तक सारा काम नहीं होगा ना, ना ही तुझे खाना मिलेगा और ना ही पीने के लिए पानी। ठीक है मालिक, पर मेरे पिछले महीने की तनख्वाह तो दे दो। धर्मवीर भाई, हमने तभी कुछ दिन पहले इसे पैसे दिए थे, अगर हम इसे रोज रोज देंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। मालिक आपने पिछले महीने जो पैसे दिए थे वो तो खर्च हो गए। ठीक है लड़की, मिल जाएंगे तेरे पैसे, चल काम कर। देख सत्या, ये है कोल्ड ड्रिंक, और भाई का इकलौता लड़का ना उसे जरूर पिएगा। देख भाई, इसमें हम केमिकल मिला देते हैं और वो इसे पीते ही थोड़ी देर बाद मर जाएगा, और उसे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हम दोनों फिर ऐश की जिंदगी जिएंगे। और हाँ, तुम्हारे भाई तुम पर शक भी नहीं करेंगे। ठीक है भाई, जल्दी मिला दो, वरना किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सत्या, मैं अभी मिलाता हूँ। ओ सिट यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। और यहाँ आसपास कहीं मैकेनिक की दुकान भी नहीं दिख रही, अब मैं क्या करूँ? पिताजी मुझे खूब पेट का दर्द हो रहा है, पिताजी कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे ये बच्चा क्यों चीख रहा है? अरे साहब, ये बच्चा क्यों रो रहा है? और मुझे तो इसकी हालत बहुत गंभीर लग रही है। अरे इसने कोल्ड ड्रिंक समझकर केमिकल पी लिया, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा था और अचानक गाड़ी बंद हो गई। अरे साहब आप घबराइए मत, मैं आपकी गाड़ी अभी देखती हूँ। साहब आपकी गाड़ी ठीक हो गई, देख लो। थैंक यू की क्या बात है सर, इसमें आप अपने बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। अगर आप समय पर नहीं आती तो मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाता। ठीक
ठीक है फिर मैं चलता हूँ, अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? ठीक है। अब वो लड़की उस गाड़ी वाले से कैसी बातें कर रही थी? मालिक बात क्या, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और उनका बच्चा बहुत बीमार था, मैंने तो बस उनकी गाड़ी ठीक करके दी थी। झूठ बोल रही है तू हमसे, हम देख रहे थे तू क्या बात कर रही है। धर्मवीर भाई इसका क्या भरोसा करना है, ये गरीब लड़की होती है ऐसी है। हाँ भाई तू ठीक कह रहा है। वो लड़की कल से तू मेरे यहाँ काम पे मत आना। साहब ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे इससे क्या मतलब, तू जाती है नहीं फिर दुनिया कान के नीचे खींच कर। सत्या चल चलते हैं, भाई का लड़का तो मर गया होगा और उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। हाँ धर्मवीर तुम सही कह रहे हो और तुम्हारे भाई तुम पर शक भी नहीं करेंगे। धर्मवीर चल चलते हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते, बैठो कुर्सी पर। बेटा यही है वो जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई, अगर ये समय पर नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। साहब इनको मारने वाले तुम्हारे छोटे भाई हैं। ओ लोकेश कैसी बात कर रहा है, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, मेरा भाई ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। साहब मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुझ पर कैसे विश्वास कर लूँ कि तू सच कह रहा है। मुझे पहले ही पता था मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, इसलिए तुम्हारे भाई की और सत्या की मैंने वीडियो बना ली है। ये देखो अपने भाई की हकीकत। अरे धर्मवीर मुझे पता नहीं था कि तू मेरे साथ गद्दारी करे। क्या नाम लिया सर आपने, धर्मवीर? जरा मुझे भी तो फोन दिखाइए। सर ये नीच काम इन लोगों ने ही किया होगा क्योंकि मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा तो तुम इन्हें कैसे जानती हो? तो सुनो साहब, आपके भाई की मैं मजदूरी करती थी और इन लोगों ने मुझे दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दिया। अब बस करो, तुमने बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं और तुमने ही मेरे बच्चे को बचाया है। इसी खुशी में मैं तुम दोनों को अपनी सारी संपत्ति तुम्हें देता हूँ और आज से ही ये सारा घर तुम्हारा ही है। भाई अमरपाल ठीक है, और ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, और इसे घर से निकालो। मत ले अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम, मैंने तुझे इतना नीच नहीं समझा था और तू इस लड़की को निकालने की बात कर रहा है। अगर ये लड़की समय पर नहीं होती तो मैं तो बर्बाद हो जाता और तू अपने काम में सफल हो जाता। और ना जाने तुम लोगों ने कितने गरीबों को सताया। हाँ तुम ठीक कह रही हो, इनको इनकी गलती की सजा तो मिलनी चाहिए। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। भैया आप रहने दीजिए, मैंने पुलिस को पहले ही फोन कर दिया है, वो आती होगी। खैर सुन लिया तुम दोनों ने, जब तुम लोगों ने अपने भाई के बारे में नहीं सोचा कि उन पर क्या बीतेगी तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते, मैं तो फिर भी मजदूर थी। अरे भाई मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। तू माफ करने के लायक ही नहीं है, अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो ना जाने तुझ जैसी ऐसी गलती कितने लोग करेंगे। भाई हम दोनों को माफ कर दो। धर्मवीर भाई तुम कहो तो तुम्हारे भाई की खोपड़ी उड़ा। सत्या उड़ा दे इसकी खोपड़ी, मुझे जेल में डरवाने के लिए कह रहा था। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ। ओए ये तो अब मर गया, अब तू चल जेल की रोड तोड़ना। अब चलता है नहीं। हेलो दोस्तों, तो भैया का चैनल है निर्जल पाल राणा, तो प्लीज उसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को देखें और भैया को सपोर्ट करें क्योंकि भैया बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं आप सबके लिए। तो भैया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको भैया की एक्टिंग कैसी लगी और मूवी कैसी लगी। तो भैया इस तरह आपको मूवी लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।